लड़के वाले जो हैं वो सोचते हैं कि भाई पत्नी आने वाली है, टंकी बैठा लेते हैं, पाइप फिटिंग का काम करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी आएगी तो नल खोल के पानी लेंगी, उनको जो है चापाकल नहीं चलाना पड़ेगा, कुएं में से पानी नहीं निकालना पड़ेगा। अब कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है और कल उसका डिलीवरी होने वाला है, एकदम लास्ट टाइम चल रहा है, तो क्या वो लेडीज़ बोलेगी कि नहीं भाई अभी भदवारी का टाइम है, अभी हम बच्चे को जन्म नहीं देंगे? ऐसा हो सकता है क्या? पता नहीं कस्टमर जो है, हमारे जो ग्राहक है, वो भी बहुत ही अतरंगी विचार के हैं, बहुत ही अलग माइंड के हैं। जिस समय मटेरियल का रेट डाउन होता है उस समय वो काम नहीं करवाते हैं, और जिस समय मटेरियल का रेट ऊपर जाता है उस समय वो धराधर काम करवाना शुरू कर देते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से एक न्यू फ्रेश वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अभी मार्केट पूरा एकदम डाउन हो चुका है, सेल काफी ज्यादा डाउन हो गया हुआ है, मार्केट में पूरा एकदम मंदा छाया हुआ है, काफी सारे लोग परेशान है इस चीज से। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर अभी मार्केट में बिल्कुल सेल नहीं है, ऐसे कंडीशन में क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शॉप के खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं, बिजली का बिल नहीं निकल पा रहा है, अपना खर्चा नहीं निकल पा रहा है, शॉप का रेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, क्या करना चाहिए सर ऐसे कंडीशन में? और ये सर मार्केट इस समय में क्यों डाउन है? अभी सब कुछ ठीक है, मटेरियल का रेट भी डाउन है, मटेरियल का रेट काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, फिर भी जो है मार्केट इतना ज़्यादा क्यों डाउन हो गया हुआ है? यही सब जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें। साथ ही दोस्तों चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि मैं हमेशा हार्डवेयर पेंट और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ जो है अपने चैनल के माध्यम से आप लोग के पास में पहुँचाते रहता हूँ। साथ ही दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मार्केट में जो मंदी छाया हुआ है, ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही को फेस नहीं करना पड़ रहा है, ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं भी फेस कर रहा हूँ। एक समय ऐसा था कि दुकान में से मटेरियल उठा के कस्टमर को दे देते थे, फिर जो है गोडाउन में से ला के रख देते थे, पूरा दिन यही करने में लगा रहता था। एक तरफ मटेरियल जा रहा है और एक तरफ ऑर्डर लगा रहे हैं कि भाई समय पर जो है मटेरियल हमारे शॉप पर पहुँचा दो, डिले नहीं होना चाहिए, कस्टमर जो है खाली हाथ नहीं लौटने चाहिए। लेकिन आज के डेट में वैसे ही पड़ा हुआ है मटेरियल, एक मटेरियल भी नहीं निकल पा रहा है, ना पेंट निकल रहा है और ना ही जो है आपके पाइप फिटिंग निकल रहे हैं, ना ही हार्डवेयर का कोई सामान बिक रहा है। आज से अप्रॉक्स एक डेढ़ महीना पहले की बात है, नॉर्मल जो सेल है पर डे का सेल जो है 30,000, 40,000, 70,000, 1,00,000 ऐसे जाता था, लेकिन वहीं पे जो है आज का सेल कैसा है, 7,000, 6,000, 5,000, यहाँ तक कि कभी कभी जो है 1,000 रुपये पे ही रह जाता है, यहाँ तक कि फ्रेंड्स कभी कभी जो है पूरे दिन का सेल मात्र 500 जाता है। और ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ अभी आपको ही फेस नहीं करना पड़ रहा है, ये जो प्रॉब्लम है मैं भी फेस कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। हम लोग कैसे पता करते हैं कि मार्केट में मंदा छाया हुआ है? क्यों? क्योंकि जो है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई और लोगों का बिक्री हो रहा हो, और लोगों का दुकान चल रहा है, हो सकता है सिर्फ हमारा ही दुकान ना चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो भी हमारे होलसेलर होते हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जहाँ से मटेरियल परचेस करते हैं, जहाँ से मटेरियल मंगवाते हैं, खरीदते हैं, हम लोग उनको फ़ोन मिलाते हैं, पूछते हैं कि भैया अभी मार्केट का क्या हालात है, कैसा है मार्केट, अपने दोस्तों से पूछते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से पूछते हैं कि भाई आज का तेरा कितना गया सेल, तेरा आज का कितना गया सेल, आज क्या क्या मटेरियल तूने निकाला, आज क्या क्या जो है कितना सेट पाइप फिटिंग निकाला। तो हम लोग जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टिंग रहते हैं, आपस में एक दूसरे से पूछते रहते हैं, और यही जो है फ्रेंड्स अभी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है। हालांकि इस टाइम पे अभी डाउन नहीं होना चाहिए। आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप लोग ने अगर वो वीडियो देखा होगा फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है, अप्रॉक्स वो वीडियो डालने के बाद में मैंने 7 से 8 वीडियो और डाले थे, तो कोई ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है। उस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था फ्रेंड्स, मैंने एक भविष्यवाणी की थी, और वो भविष्यवाणी देखिए सच निकल गया कि आने वाले टाइम में 2-3 महीना के बाद में मटेरियल का रेट होगा डाउन, और साथ में सेल भी आपका होगा डाउन, यानी कि जो आपका सामान है मटेरियल है उसका भी रेट होगा डाउन, यानी कि उसका भी रेट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आएगा, और जो है आपका सेल जो है काफ़ी ज़्यादा गिरेगा, यानी कि मार्केट में मंदा छाएगा। कुछ रीजन जो है फ्रेंड्स जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आप लोग को बताता हूँ, जो मैंने मतलब अपने लाइफ में सीखा है वो मैं आप लोग को बताता हूँ फ्रेंड्स। देखिए सेल मंदा होने का सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि अभी जो है बरसात का टाइम चल रहा है, भले हमारे बिहार और यूपी में इस टाइम पे बरसात ना हो रहे हो, बहुत सारे जगह पे जो है काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा हुआ है, बहुत सारे जगह पे फ्लड आ चुका है, बहुत सारे जगह पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं बारिश की वजह से, लेकिन अभी हमारे बिहार यूपी में बारिश जो है ना के बराबर है, कहीं पे एक बूंद भी बारिश जो है देखने को नहीं मिल रहा है। अब होता क्या है फ्रेंड्स,
देखिए बात को गौर से समझिए, मैं बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज पहले मैं और क्लियर कर दूं, भाई जिसको भी अगर बुरा लगे आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं यहाँ पे किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाने नहीं आया हूँ, ना ही किसी का मैं कोई अपमान कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीज मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, ठीक। आज से कुछ टाइम पहले फ्रेंड्स, आज से जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उन लोगों के पास में काम धाम कुछ रहता नहीं था, बेरोजगार थे, और वो लोग करते क्या थे, पूरे दिन बिल्ली रास्ता काट देगी तो जाना अशुभ है, इस टाइम पे ये काम हमें नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक सही मुहूर्त देखना चाहिए, ये जो है काम आज नहीं करना चाहिए, इसका जो है सोमवार को करेंगे, सोमवार का सही दिन होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐब निकालते थे, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसका एक सही टाइम है, मकान बनाने का एक सही टाइम है, कंस्ट्रक्शन का एक सही टाइम है। तो पहले के लोगों के पास में काम धाम होते नहीं थे, बेरोजगार बैठे होते थे और तरह तरह के ऐप्स निकालते थे, तरह तरह के नुस्ख निकालते थे, कमियां निकालते थे। तो वही जो चीज़ है फ्रेंड्स आज तक चले आ रहा है। हमारे बिहार यूपी में एक चीज़ है फ्रेंड्स, भदवारी जिसको बोलते हैं, भदवारी, वैसे भदवारी जहाँ तक मैं बोलूँ बरसात जो होते हैं उसी को बोलते हैं। तो भदवारी में होता क्या है कि कंस्ट्रक्शन के काम जो है बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे ठप हो जाता है, जो हाईएस्ट पीक पे चल रहा होता है, जो भी आपका कंस्ट्रक्शन का काम है, यानी कि जो आपका सेल है, आपके शॉप का जो भी सेल है, वो एक पीक पे ऊपर में चल रहा होता है, वो पूरा ठप हो जाता है इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि अभी जो है बरसात का टाइम है, और बरसात के टाइम में कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ना के बराबर होता है। आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, वैसे एक चीज़ मैं ये चीज़ मानता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ है उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न ज़रूर होता है, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न जो है, कुछ कारण है, वो ज़रूर होता है। अभी आप ही सोचिए, बरसात के टाइम में अगर कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो वो क्या कंस्ट्रक्शन का काम सक्सेस हो पाएगा? अगर ईंटें की जुराई होंगी तो वो क्या टिक पाएगा? अगर पेंट का काम होगा बरसात के टाइम में तो क्या पेंट दीवार पे रह पाएगा? नहीं ना। तो वही जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स इस टाइम पे, अभी भले बारिश हो या ना हो वो अलग की बात है, वो अलग है, लेकिन लोगों का मानना है कि इस टाइम पे जो है काम नहीं होता है। अब यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि भाई भदवा लग गया, हमारे बिहार यूपी में कई लोग बोलते हैं कि भाई अभी भदवारी है, भदवा लग गया, भदवा में जो है कोई नया काम शुरू नहीं करेंगे। तो ये जो मार है हम लोग को झेलना पड़ता है फ्रेंड्स। अदर स्टेट का क्या है वो मैं उतना नहीं बता पाऊंगा, वहाँ का क्या लोग मानते हैं, क्या सोचते हैं, वो उतना मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ का जो है, वैसे मैंने भी 15-16 तक मैं बाहर में ही रहता था, लेकिन काफ़ी समय मैंने बिहार में बिताया है, और मेरा पढ़ाई लिखाई जो भी था, पहले मैं बाहर ही पढ़ाई लिखाई करता था केंद्रीय विद्यालय से, पूरे ऑल ओवर इंडिया हर एक स्टेट में मैं घूमा हूँ, देखा हूँ सब कुछ, तो काफ़ी चीज़ का मैंने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जब से मैं बिहार में आया हूँ तो बहुत सारी यहाँ की जो चीज़ें हैं समझने को मिली है, बहुत सारी चीज़ जो है देखने को मिला है, तो कुछ अतरंगी दिखाई देता है। तो यही जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, अभी एक मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मान के चलिए अगर आपका कोई जॉब का कोई लेटर आ गया, ज्वाइनिंग लेटर, रेलवे में आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, उसका ज्वाइनिंग लेटर भदवारी में आ गया, आप क्या बोलेंगे कि भैया अभी भदवारी में नया काम हम नहीं शुरू करेंगे, हम ज्वाइनिंग अभी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि अभी भदवारी चल रहा है, यही होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई, ज्वाइनिंग जो है समय से हम लोग पहले पहुंच जाएंगे ज्वाइनिंग लेटर लेके, और वहां पे जो है हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ये सब चीज़ों में भदवारी नहीं होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के मामले में भदवारी होता है, जिससे हमारा रोजी रोटी चलता है। अब कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है और कल उसका डिलीवरी होने वाला है, एकदम लास्ट टाइम चल रहा है, तो क्या वो लेडीज़ बोलेगी कि नहीं भाई अभी भदवारी का टाइम है, अभी हम बच्चे को जन्म नहीं देंगे? ऐसा हो सकता है क्या? तो यही जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उनके पास में काम धाम रहता नहीं था, लेकिन ऐसे उल्टे सीधे जो नुस्ख है, उल्टे सीधे जो एब्स होते थे वो निकालते थे, और इस चीज़ को अप्लाई करते हुए आए हैं, और उस चीज़ का जो परिणाम है हम लोग को भी, जो हमारे न्यू जनरेशन है उन लोगों को भी ये चीज़ भुगतना पड़ता है। आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट हो, कुछ चेंजमेंट हो लोगों के मेंटेलिटी का। अभी जो है मार्केट पूरा एकदम बुरी तरीके से डाउन हो गया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। इससे अच्छा जो सेल था फ्रेंड्स हम लोग का कोविड के टाइम में था,
कोविड के टाइम में हम लोग जो है खाना नहीं खा पाते थे फ्रेंड्स, सच्चाई ये है। खाना खाने बैठते थे, कस्टमर चिल्लाते थे, शटर आगे वाला लगा हुआ है, साइड वाले शटर से, साइड वाले गेट से हम लोग मटेरियल देते थे, अच्छा खासा सेल जाता था कोविड के टाइम में। लेकिन आज के डेट में बिल्कुल सेल एकदम डाउन हो चुका है, मटेरियल का जो रेट है काफ़ी ज़्यादा डाउन है, फिर भी कस्टमर जो है वो काम नहीं करवाना चाहते हैं। पता नहीं कस्टमर जो है, हमारे जो ग्राहक है वो भी बहुत ही अतरंगी विचार के हैं, बहुत ही अलग माइंड के हैं। जिस समय मटेरियल का रेट डाउन होता है उस समय वो काम नहीं करवाते हैं, और जिस समय मटेरियल का रेट ऊपर जाता है उस समय वो धराधर काम करवाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है पता नहीं ऐसा क्या होता है, मुझे भी नहीं मालूम है। अभी जो है मटेरियल का रेट काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, तो लोगों को अभी काम करवाना चाहिए, लेकिन नहीं करवाते, वो उनका अपना मर्जी। अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि ऐसे टाइम पे हम कैसे अपना जो इनकम है, कैसे जो अपना खर्चा है वो कैसे निकालें। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी जो है हमारा बिजनेस है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, बिजनेस जो है फ्रेंड्स, बिजनेस इज इक्वल टू आपका सीजन, ये दोनों बराबर है। यानी कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिजनेस अगर एक किलो है, बिजनेस का वजन अगर एक किलो है, तो सीजन का भी वजन एक किलो है। यानी कि बिजनेस इज इक्वल टू सीजन, दोनों बराबर ही है। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी दुकानदारी हो, किसी भी चीज़ का व्यापार हो, वो जो है सीजन के ऊपर चलता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, आप लोग देखते होंगे फ्रेंड्स, कपड़े का जो धंधा है, यानी कि कपड़े का जो बिजनेस है, शादी ब्याह का जब समय आता है, यानी कि शादी ब्याह का जब लगन आता है, उस टाइम पे जो है कपड़े का जो व्यापार है काफ़ी हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाता है। जो दुकानदार है उनके पास में उस टाइम पे बात करने का भी समय नहीं होता है। आप लोग देखते होंगे जो दुकानदार है बस नोट गिनने में और गल्ला में जो है नोट रखने में ही बिजी रहते हैं, बाकी उनके स्टाफ जो है कपड़ा दिखा रहे हैं, लीजिए बहन जी, लीजिए सर, ये जो है ये ऐसा है, ये वैसा है, इसका कलर जो है कभी नहीं जाएगा, ये जो है काफ़ी कॉटन का है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, ये आरामदेही है। लेकिन वहीं पे जो है नॉर्मल डेज में देख लीजिए, कपड़े के जो दुकानदार है बैठे हैं, अच्छा यही चीज़ है। हम लोग का जो है हार्डवेयर का, जब शादी ब्याह का लगन आता है उससे कुछ समय पहले, लगन आने से कुछ समय पहले काफ़ी एकदम हाईएस्ट पीक पे पहुंचता है। क्यों? क्योंकि भाई घर में लड़के की शादी है, घर में लड़की की शादी है, लड़की वाले जो है वो फटाफट कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर पे बारात आने वाला है, टूटा फूटा जो है इधर उधर रिपेयरिंग करवा लेते हैं, पेंट का काम करवा लेते हैं, शौचालय जो है, जो टॉयलेट है उसको मरम्मत करवा लेते हैं, घर में अगर शौचालय नहीं है तो नया शौचालय बनवा लेते हैं। लड़के वाले जो हैं वो सोचते हैं कि भाई पत्नी आने वाली है, टंकी बैठा लेते हैं, पाइप फिटिंग का काम करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी आएगी तो नल खोल के पानी लेंगी, उनको जो है चापाकल नहीं चलाना पड़ेगा, कुएं में से पानी नहीं निकालना पड़ेगा, सरकारी वाला जो पानी आता है उसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो यही जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, हर चीज़ का एक सीज़न पे चलता है, कोई भी बिजनेस है वो सीज़न पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, जैसा कि मैंने कुछ समय पहले आप लोग को बताया था कि अगर बिजनेस अभी मंदा है तो कैसे हम लोग एक्स्ट्रा अपना जो है वो इनकम जनरेट करें। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी जो है एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना है, कभी भी जो है एक व्यापार पे डिपेंड नहीं रहना है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको जो है मल्टीपल ऑप्शन निकालना होगा। देखिए, मेरा कोई यूट्यूब का बहुत बड़ा चैनल नहीं है, कोई मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, है ना, लेकिन अपने इस छोटे से चैनल में आप लोग को मैं बहुत बड़ी जानकारी जो है, बहुत बड़ा नॉलेज जो है आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ। बिजनेस आप लोग कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, कोई जॉब में होता क्या है, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें फिक्स सैलरी होता है कि भाई धूप हो, आंधी हो, बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, सैलरी जो है 30 को आना ही आना है, 29 को सैलरी आ ही जाएगा, 1 तारीख को सैलरी आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो है आपका व्यापार है, और व्यापार वाले जो होते हैं वो कभी भी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहते हैं। आप जो है कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का दिमाग में सोचिए, कैसे? पूरे दिन शॉप में बैठे हुए हैं, शेयर मार्केट का कुछ सीखिए। जो लोग पढ़े लिखे हैं, आज के डेट में मोस्टली जो है काफ़ी सारे लोग जो है एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हुए हैं, आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, सारा कुछ ऑनलाइन है आपके पास में, यूट्यूब है, यूट्यूब पे देखिए आप लोग कैसे जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। उसके बाद में जो है और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बरसात का टाइम है, बरसात के टाइम में देखिए काफ़ी लोगों के जो है पोलोथीन के डिमांड होते हैं, प्लास्टिक जिसको बोलते हैं, जो पल्ली जो होता है ना, तिरपाल वगैरह, उसके डिमांड है, उसको रख लीजिए अपने शॉप में।
हालांकि मैं अपने शॉप में नहीं रखता हूँ वो सब, लेकिन जो है फ्रेंड्स आने वाले टाइम में देखेंगे उसको भी हम लोग शॉप में इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है व्यापार करने बैठे हुए हैं, बिजनेस करने बैठे हुए, सब कुछ बेचना है, हार्डवेयर में जो भी चीज़ आता है सब कुछ बेचना है, वो चीज़ हो गया। शेयर मार्केट से कमा सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। अभी जैसे मैंने अपने माइंड में सोचा हुआ है कि एक फोर व्हीलर जो है बहुत जल्दी देखते हैं, जैसा अगर बजट वगैरह ठीक ठाक रहा, क्योंकि अभी बहुत सारा काम करवाना है शॉप में भी जो है, पूरा ये इंटीरियर का कुछ काम सब करवाना है। हालांकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा हूँ अब करवाऊँ, लेकिन जो है ना तो समय मिल रहा है, और अभी जो है एक तो मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है, कुछ समझ में आ नहीं रहा कहाँ से फंडिंग करूँ, कहाँ से ये करूँ, बहुत सारा अभी प्रॉब्लम चल रहा है जिसके वजह से मैं अभी करवा नहीं पा रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में हो सकता है एक फोर व्हीलर लूँ, जो मेरे माइंड में चल रहा है फोर व्हीलर लूँ, उसको जो है भाड़े पे चलवाऊँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आप एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बना सकते हैं, ऑप्शंस आपके पास में हैं। बड़े बुजुर्ग बोल के गए हुए थे कि पैसा जो है रोड पे बिखरा हुआ है, बस आपको बटोरने आना चाहिए, किस तरीके से जो है आप उसमें तरकीब लगाए और तरकीब लगा के पैसा बटोर के अपने पॉकेट में रखे। तो वही जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, कमाने के बहुत सारे सोर्सेस है, बस आपके पास में दिमाग होना चाहिए। दिमाग है उसका इस्तेमाल कीजिए, सही जगह पे यूज़ कीजिए। पूरे दिन जो है मूवी देखने में समय निकालते हैं तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। पैसा जो है वो कैसे कमाए, इसके बहुत सारे सोर्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है, बस आप एफर्ट लगाइए, अपना मेहनत लगाइए, आप उन चीज़ों को देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ और उस चीज़ में लग जाइए। बाद बाकी जो है उसका परिणाम, जो उसका रिजल्ट है वो आपको अच्छा ही मिलेगा। साथ ही दोस्तों अभी मार्केट बहुत ही ज़्यादा डाउन है, प्रॉब्लम सभी को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जो है मार्केट दोबारा से ग्रो होगा और जो है काफ़ी ज़्यादा सेल आपका इंक्रीज होगा। तो इसके लिए घबराना नहीं है, हमेशा पेशेंस रखिए, कोई भी चीज़ में धैर्य रखना पड़ता है, धैर्य रखना होता है, घबराने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब घबराएंगे भी बात उतना ही है, नहीं भी घबराएंगे बात उतना ही है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, मार्केट का ये नियम ही है, मार्केट का ये रूल है कि अप एंड डाउन ऐसे ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीख गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस टाइप के वीडियोस मिलते रहे। मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।